सो यार जी जी गाइस, कैसे हो सब लोग? फटाफट से जाके कमेंट बॉक्स में बता दो कैसे हो। ठीक है, तो भाई आज हम लोग आ गए हैं एक और नई GTA 5 की वीडियो के साथ। एंड भाई आज की इस वाली वीडियो में ना, ये वाली वीडियो मतलब थोड़ी सी अलग होने वाली है बाकी की वीडियोस से। तो भाई आज की वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं GTA 5 के अंदर, तुम्हें पता होगा अपने GTA 5 के अंदर 3 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो तीनों के पास अपने अपने फ़ोन होते हैं जिससे अपन लोग कॉलिंग वॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज अपन लोग इन तीनों के फ़ोनों का कंपेरिजन करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि किसका प्रोसेसर किसका मतलब किसके अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा अच्छी है और कौन सबसे ज़्यादा है बेटर। ठीक है, तो भाई ये थोड़ी सी अजीब वीडियो है, मतलब ऐसा कंटेंट मैं डालता नहीं हूँ, बट देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है उन लोगों का। एंड चलो यार ये वीडियो शुरू करते हैं। एंड अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, ऐसा कंटेंट और चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार बस शुरू करते हैं ये वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैंकलिन के फ़ोन के बारे में। ठीक है, अभी फ्रैंकलिन का फ़ोन जो है वो पूरा ग्रीन थीम पे बेस्ड है। अगर तुम लोग ऊपर साइड जूम करोगे तो यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा भाई बिटर स्वेट। एंड जो ब्लैकबेरी से अगर अपन इसको कंपेयर करते हैं तो भाई दोनों का फर्स्ट लेटर बी होता है। एंड यार जो ये मॉडल है ना, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है ब्लैकबेरी टॉर्च के जो सीरीज़ आई थी उसके, बस वो जो था वो सिल्वर कलर में था। एंड अपन लोग इस एंड जो ये वाला है ये जो है ग्रीन कलर में, बट अपन लोग इसके जो थीम्स हैं उन्हें बदल सकते हैं, तो ऐसा मेरे को कुछ ज़्यादा लगा नहीं। एंड अगर तुम लोग इसके अंदर जो आइकन्स देखोगे ना फ़ोन के अंदर, जो इतने भी आइकन्स हैं वो सब भी ब्लैकबेरी के OS से बहुत ज़्यादा सिमिलर कर मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए मैंने इसमें ब्लैकबेरी से कंपेरिजन करा है। खैर यार अभी बात करते हैं माइकल के फ़ोन के बारे में। तो भाई माइकल का जो फ़ोन है वो है, अगर तुम लोग इसमें थोड़ा सा ऊपर साइड जूम करोगे तो यहाँ पर तुम्हें देखेगा आई फ्रूट। एंड जो आई फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा मेरे को कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि आईफोन से लिया हुआ है, एंड आई थिंक आईफोन के लिए ही उन्होंने इसको डिनोट करा है। एंड यार जो ये वाला फ़ोन है ना, जो माइकल का फ़ोन है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है iPhone 5C से। एंड तुम लोग भाई देख ही सकते हो दोनों का कलर भी सेम है। एंड जितने इसके अंदर भी जितने आइकन्स हैं ना, मतलब फ़ोन के अंदर जितने आइकन्स हैं, तुम लोग सेटिंग आइकन देखो या फिर कॉन्टैक्ट्स का आइकन देखो, सब लोग मतलब सब कुछ जो भी है आईफोन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। iOS जो उसका होता है ना, iOS उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो इसका मतलब भाई मैंने बस इसलिए इसको ले लिया है। अभी अपन लोग तीनों कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन से फ़ोन मैंने लिए हैं। अभी यार बात करते हैं ट्रेवर के फ़ोन के बारे में। तो भाई ये है ट्रेवर का फ़ोन। इसके अंदर भाई तुम लोग देख ही सकते हो ये पूरा रेड थीम पे बेस्ड होता है। एंड इसके अंदर अगर तुम लोग इसमें भाई कहीं पे भी जूम कर लोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यार यहाँ पर कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है। इससे मेरे को मतलब इसी कारण से मेरे को ना इसके ऊपर रिसर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च करके पता लगा ही लिया। तो यार अगर तुम लोग इसके आइकन्स देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है नोकिया लुमिया के। ठीक है, तो यार तुम लोग भी देख सकते हो फोटो, तो यार ऊपर से नोकिया नहीं लिखा हुआ है, चूँकि ऐसा ऑफकोर्स नहीं लिख सकते हैं, बट इसके अंदर भाई मेरे को जिसका इसका आइकन्स हैं वो जितनी भी चाहिए यार वो सब कुछ देखने में भाई तुम लोग इसके आइकन्स देखो, यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम लग रहा है भाई। इसके अंदर आई थिंक विंडोज़ का प्रोसेसर मतलब विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्योंकि नोकिया ने बीच में विंडोज़ के साथ भी कॉलैब करा था, सो आई थिंक ये उसी का एक मॉडल है। अभी यार बात करते हैं कि इसका कौन इसका पूरा सीन क्या है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो तीनों फ़ोनों की रिलीज़ डेट। एंड यार ये दोनों ये मतलब इन तीनों के जो रिलीज़ डेट है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मतलब मजाक नहीं यार, बहुत ज़्यादा सिमिलर है GTA 5 की रिलीज़ डेट से। सो इसलिए शायद से आई थिंक इन लोगों ने इसको ऐसा करा है, इसलिए शायद से तीनों के कैरेक्टर्स के पास अपने अपने फ़ोन हैं। खैर अभी बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। सबसे अच्छा फ़ोन है गाइस इसमें माइकल का, सेकेंड नंबर पर है ट्रेवर का, एंड थर्ड नंबर पर है फ्रैंकलिन का। अब यार तुम लोग बोलोगे भाई ऐसा क्यों? अब यार तुम लोगों को पता है कि भाई आईफोन का जो OS है वो ऑब्वियसली बात है नोकिया और ब्लैकबेरी से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अभी भाई तुम लोग बोलोगे चल भाई ठीक है आईफोन का तो समझ में आता है, लेकिन अपना माइकल का, लेकिन भाई ट्रेवर का और नोकिया और ब्लैकबेरी में कौन सा अच्छा है? भाई ऑब्वियसली नोकिया ज़्यादा अच्छा है ब्लैकबेरी में, बट हाँ भाई तुम लोग ये बोल सकते हो कि ब्लैकबेरी ने सबसे पहले अपना जो टच स्क्रीन फ़ोन था वो लाया था, बट ऐसा नहीं है भाई, ब्लैकबेरी का उतना अच्छा नहीं था। हाँ भाई लाया था वही, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। जो अच्छा है वो नोकिया का है, एंड नोकिया का अभी भी चल रहा है फ़ोन, इसलिए मैंने नोकिया को सेकंड नंबर पे डाला है। एंड जो थर्ड है भाई वो है ब्लैकबेरी। तो भाई बस यार आज वाली वीडियो में इतना ही, तुम लोगों को बताना कैसी लगी वाली वीडियो, एंड कंपेरिजन मज़ा आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भाई, ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना एंड चलो भाई बाय।